और आइए अब आपको रूस के टोस्नो की तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरीके से पूरा बवंडर आया है। ये देखिए बवंडर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रूस के टोस्नो की तस्वीर आप देख रहे हैं। रशिया में किस तरीके से जो कुदरती कहर है वो लोगों पर आफत बनकर टूट रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बवंडर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बवंडर से किस तरीके से यहाँ पर तूफान देखा गया है, ये टोस्नो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का ये टोस्नो जहाँ पर बवंडर आ गया और बवंडर की वजह से किस तरीके के हालात बने आप देख रहे हैं। तमाम चीजें आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है। जो भी इस बवंडर की चपेट में आया, कई पेड़ की बात हो चाहे वहां पर इमारतें हो, वो तमाम चीजें इस बवंडर की चपेट में आ गई। और किस तरीके से नुकसान हुआ है रूस के टोस्नो में, बवंडर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पेड़ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और किस तरीके से जो पेड़ थे वो तहस नहस होते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं रूस के टोस्नो की, जहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और आप कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ये फ्लड की तस्वीर आप देख रहे हैं। रशिया में भी बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि रशिया में किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने वहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दिया। बवंडर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब ये बाढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो साइकिल पर लोग जा रहे हैं उनकी साइकिलें आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है, घरों के सामने पानी भरा हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये हालात आप रशिया में देख रहे हैं, जहां पर पानी के बहाव में ये लोग जो है वो गुजरने को मजबूर हैं। और अब वेनेजुएला की तस्वीर देखिए, ये जो शख्स है ये किस तरीके से रस्सी के जरिए ये तमाम जो लोग हैं वो यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी बाढ़ और बारिश की वजह से बहुत बुरे हालात हैं। लोग डूबे नजर आ रहे हैं, आप देखिए उनके घरों के आगे पानी भरा हुआ है। जो लोग अपने घरों में फंसे हुए थे उनको किस तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है वो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। ये वेनेजुएला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के चलते ये हालात, चारों तरफ रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। और हालात ये हैं कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको रस्सी के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। तेज बहाव की तस्वीरें वेनेजुएला की, बाढ़ से बिगड़े हालात, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बाढ़ बारिश की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वेनेजुएला की, जहां बाढ़ से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि लोग पानी के बीच फंसने को मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंघाली और शुरू करते हैं बुलेट 100। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामने आया स्टंटबाजी का एक वीडियो, बिना नंबर प्लेट की थी कार, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में ग्राहक की पेटीज में निकला कीड़ा, स्वीट्स के स्टाफ ने मानी अपनी गलती, ग्राहक ने वीडियो बनाकर किया वीडियो वायरल। उधर केरल के पलक्कड़ पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता, एक गाड़ी से बरामद किए करीब 3 करोड़ रुपए, पुलिस ने 2 लोगों को धर दबोचा। यूपी के बागपत में तमंचा लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, प्राथमिक विद्यालय में मचा बवाल, 8वीं के छात्र के बैग से बरामद हुआ तमंचा। मध्यप्रदेश के बड़वानी में भीषण सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई कार, कार में सवार लोगों को आई गंभीर चोट। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी, ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कें बंद की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हो गए, 1 नागरिक की भी मौत, 2 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, कोकरनाथ में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ पर बोले डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, कहा लगातार अनंतनाग में ऐसा होता आया है। साथ ही बोले पीओके बॉर्डर की ओर से ट्रेनिंग लेकर आ रहे थे आतंकी। पीओके के अंदर से आ रहे हैं, उनके कैंप्स हैं, उनकी आर्मी वहां बैठी है, वो अपने स्लीपर्स, उनके जो ट्रेनर्स हैं वो इनको लॉन्च कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, इनको ड्रोन्स का सहारा है, उनको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है। कठुआ के बसंतपुर इलाके में मिला 8 हैंड ग्रेनेड, 12 से 13 जून को हुआ, कठुआ में मार गए पाकिस्तानी आतंकियों के बताए जा रहे हैंड ग्रेनेड, सुरक्षा बलों ने हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किया। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प का मामला है सामने, प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ियों को किया आग के हवाले, आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आई सामने, झड़प में 7 लोग जख्मी हो गए। बांग्लादेश के गोपालगंज में भड़की हिंसा, हथियारबंद आवामी प्रदर्शनकारियों ने सेना के एक वाहन में आग लगा दी। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार बने हिंदू अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, बांग्लादेश के चिट्टागोंग में करीब 7 लाख हिंदुओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, अत्याचार के खिलाफ उठाई अपनी आवाज।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे पोस्टर लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और रैली निकाली गई। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने निकाली ये रैली। उधर यूपी के संभल में भी हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च। पीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर हिंसा झेल रहे हिंदुओं को भारत लाने की मांग। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। स्वीडन की संसद के बाहर हिंदुओं ने जताया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी गूंजा। ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया विरोध। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया गया विरोध के जरिए आक्रोश। देश के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कांग्रेस के नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, नटवर सिंह का भारत के विकास में अहम योगदान। असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और एजेएसयू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा। अयोध्या के मिल्कीपुर से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, जो लोग रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर नहीं बोलेंगे, उन्हें वोट खिसकने का डर है। रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने झारखंड सरकार की गिनाई कमियां। कहा, झारखंड में आदिवासियों की नहीं घुसपैठियों की सरकार चल रही है। कि घुसपैठी आए हैं, मैंने झारखंड का इलेक्टोरल लिस्ट का एक एनालिसिस किया था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20% से ज्यादा एक विशेष समुदाय का लोग बना है वोटर। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधे, ये कांग्रेस का असली चेहरा। उधर राहुल गांधी के खिलाफ साधु संतों के बीच नाराजगी। कहा, राहुल गांधी गाजा पर बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर वो कुछ नहीं बोलते। थाने में उद्धव ठाकरे की सभा में हुआ हंगामा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर चूड़ियां और टमाटर फेंक कर जमकर किया हंगामा। इमरजेंसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया बड़ा बयान। का इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी थी न्यायपालिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस की बांग्लादेश वाली टिप्पणी पर किया आगाह और बोले, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें हालात बिगाड़ने की कर रही हैं साजिश। पीएम मोदी आज किसानों को देंगे बड़ी सौगात। जारी करेंगे ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में। किसानों को से भी करेंगे बातचीत। मायावती ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई बैठक। बैठक में प्रदेश पदाधिकारी जोनल प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ उपचुनाव की सीटों को लेकर होगी चर्चा। यूपी में बीजेपी आज से निकालेगी तिरंगा यात्रा। 13 अगस्त तक प्रदेश के